वेलकम क्लास नाइन्थ जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.5 की। एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग लास्ट वीडियो में क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7th क्वेश्चन है, किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं। एक गोडाउन मेजरमेंट या मेजर्स 40 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.25 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कैरेट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। हमें क्या करना है, जो कैरेट के नंबर है जो गोडाउन में फुल करने के लिए जो कैरेट है उनका क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन कैसे करूंगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गोडाउन का एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक कैरेट का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बात करता हूं गोदाम के लिए। गोदाम के लिए जो भी अभी कैलकुलेशन करूंगा वो गोडाउन के लिए करूंगा। तो क्या लिखता हूं, फॉर गोडाउन। तो क्या करेंगे, गोडाउन की एल कितनी है, 40 मीटर मल्टी बी कितनी है, बी अपने पास 25 मीटर और एच कितनी है, 15 मीटर। तो गोडाउन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, गोदाम का आयतन कितना होगा, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा, L की वैल्यू 40, B की वैल्यू 25 और H की वैल्यू 15 और इसका क्या आएगा, मीटर क्यूब। आंसर नहीं निकालेंगे इसका, क्योंकि हमें क्या करना है, एक कैरेट के वॉल्यूम क्या क्या करना है, डिवाइड करना है। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। अब बात करता हूं कैरेट की। कैरेट के लिए वॉल्यूम निकालूंगा फॉर कैरेट। तो कैरेट क्या आएगा, L कितनी है 1.5, H कितना है, सॉरी B कितना है 1.25 मीटर, ये भी मीटर, H कितना है 0.5 मीटर। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैरेट, वॉल्यूम ऑफ कैरेट, कैरेट का आयतन कितना आएगा अपने पास, कैरेट का आयतन आएगा L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, कितना होता है, आंसर आएगा आपने 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5 मीटर क्यूब। अब कैरेट के क्या करने हैं, नंबर फाइंड करने हैं। तो नंबर फाइंड करने के लिए क्या लिखूंगा, कैरेट की संख्या बराबर क्या होती है, एक अपने पूरे गोडाउन का आयतन बटा कैरेट, एक कैरेट का आयतन। तो क्या लिखेंगे, गोदाम का आयतन बटा कैरेट का आयतन। क्या करूंगा, नंबर ऑफ कैरेट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कैरेट इज इक्वल टू क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन
अपॉन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैरेट। तो आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैरेट। वॉल्यूम क्या है गोडाउन का, गोडाउन का वॉल्यूम देख लो आप क्या है, 40 मल्टीप्लाई आगे क्या है, 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में क्या आएगा, जो अपने एक कैरेट का वॉल्यूम है वो कितना है, 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5, इसका भी मीटर क्यूब और इसका भी मीटर क्यूब, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं इन दोनों के डिवाइड करने की। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं और पॉइंट हटाने का मेथड आपको पता होगा कि जो डिनोमिनेटर है हर है उसके पॉइंट हटाने पे आप क्या कर दो, पॉइंट हटा के संख्या लिख दो। ये लो सर पॉइंट हटा के संख्या लिख दी, पॉइंट हटाने पे 15 125 और 5। अब जब पॉइंट हटाया डिनोमिनेटर के पॉइंट हटाता हूं तो क्या आता है, नॉमिनेटर में अंश में क्या आते हैं, 10 से गुणा होता है या 100 से गुणा होता है या 1000 से गुणा होता है। 10 से कब गुणा होगा, जब वन डिजिट के आगे का पॉइंट हटाऊंगा तो 10 से गुणा, दो डिजिट के आगे का पॉइंट हटाऊंगा तो 100 से और फिर 10 से गुणा। तो आंसर क्या आएगा, 15 से 15 कैंसिल आउट, 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स। तो नीचे कुछ नहीं बचा अपने पास, तो आंसर कितना आएगा, ऊपर 14 है, आगे 2 है, फिर आगे 100 है और आगे कौन है, 2 है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 2 16, 1 2 3, 1 2 3 क्या आ गए, नंबर ऑफ के उस गोडाउन में कितने कैरेट रख सकते हैं, 16000 कैरेट रख सकते हैं। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपके जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ये जो एक क्वेश्चन आया है अभी तक किसका, गन का, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक गन को बराबर आयतन वाले 8 गनों में काटा जाता है, नए गन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों गनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ ली, वॉल्यूम भी पूछ लिया और क्या पूछा, सरफेस एरिया भी पूछ लिया और भुजा भी पूछ ली, साइड भी पूछ ली। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, इट कट इन टू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो पहले हमें सबसे पहले बड़े वाले क्यूब का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, बड़े ए बराबर क्या है अपने पास, 12 सेंटीमीटर, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, ए क्यूब और कितना है 12 क्यूब। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा अपने 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपने, बड़े वाले क्यूब का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब बात करते हैं एक छोटे क्यूब की, जब भाई इस वॉल्यूम के क्या कर दिए, छोटे छोटे 8 टुकड़े कर दिए, तो क्या आ गया, छोटे वाले वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, सॉरी छोटे वाले क्यूब का क्या आ जाएगा अपने पास, वॉल्यूम आ जाएगा। कहने का मतलब एक छोटे
घन का आयतन निकालने के लिए इस पूरे में से क्या कर दूं, आठ का भाग लगा दूं। एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, इसमें एट का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या लिखूंगा, अतः एक छोटे घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके अंदर 7 to 8 upon 8 centimeter cube इज इक्वल टू 216 centimeter cube। अब क्या पूछा है, छोटे क्यूब का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब क्या पूछा है, अब हमें क्या पूछा है, इसकी क्या पूछिए, साइड पूछिए, ना कि इसका वॉल्यूम पूछा है। तो साइड निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए। ए क्या कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, माना छोटे घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, लेट साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जब इसका वॉल्यूम फाइंड करूंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल ए क्यूब बराबर क्यूब का वॉल्यूम। तो क्या लिखूंगा, अतः घन का या फिर छोटा घन है तो छोटे घन का आयतन बराबर क्या आएगा, कैपिटल ए क्यूब। क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू क्या है, ए क्यूब। और ये वॉल्यूम कितना है अपने पास, स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 216 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर क्या हो गया, 216। क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए 216 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 centimeter, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर क्यूब की भुजा क्या हो गई, 6 centimeter। अब क्या पूछा है, अब पूछा है उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें क्या किया है, पूछा है। तो दोनों के लिए क्या निकालूंगा, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा और उन दोनों को क्या कर दूंगा, आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो आगे क्या करेंगे, आप देखो आगे हम बात करेंगे छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी बात करूंगा, छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करूंगा, या फिर अनुपात ऐसे पूछा है, बड़े घन का क्षेत्रफल बटा छोटे घन का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट ही हम करते हैं, अलग अलग नहीं निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए क्या करूंगा, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, रेशियो पूछा है, किसका पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब बिगर क्यूब के लिए साइड क्या है, स्मॉल है, तो क्या आएगा, आंसर आएगा 6a² upon 6A² 6 से 6 कैंसिल आउट, तो आंसर आया a² upon A² कैपिटल ए है, स्मॉल ए क्या है आपके पास, स्मॉल ए है 12 का स्क्वायर अपॉन
6 का स्क्वायर। रेशियो निकालना है तो रेशियो क्या आएगा आपके पास, 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6, 6 से 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा 4 अपॉन 1, 4 रेशियो 1 इसका क्या आएगा आंसर आएगा, और यही क्या अपना फाइनल आंसर है 4:1। तो इसका आंसर क्या आया 4:1 अपने क्या आया इसका आंसर आया। नेक्स्ट की बात करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये लो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है 3 मीटर गहराई और 40 मीटर चौड़ी एक नदी दो किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से बहकर समुन्द्र में गिरती है। 1 मिनट में समुन्द्र में कितना पानी गिरेगा, ए वाटर सॉरी ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन ए मिनट। हमें क्या बोला है 1 मिनट में कितने पानी सॉरी 1 मिनट में नदी कितना पानी समुन्द्र में डालती है। तो यहां पे आपको आंसर निकालने के लिए आपकी क्या है स्पीड गिवन है और नदी की गहराई गिवन है और चौड़ाई गिवन है। तो स्पीड तो हमें पता चल गई, तो इसके लिए अप्लाई क्या होगा, हम क्या करेंगे इस नदी का 2 किलोमीटर के लिए क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, और वो 2 किलोमीटर का जो वॉल्यूम होगा वो 1 घंटे में नदी क्या करती है उस समुन्द्र में डालती है। क्या करेंगे 2 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे रिवर का वॉल्यूम निकालेंगे। अब 2 किलोमीटर के लिए क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो स्पीड है हमारी वो किसमें है 2 किलोमीटर पर आवर। अब 2 किलोमीटर के लिए हम यदि इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो क्या बोलेंगे 1 घंटे में जो वॉल्यूम आएगा आपका वो क्या हो जाएगा समुन्द्र में गिर जाएगा। 1 मिनट की बात करता हूं तो हम क्या कर देंगे अपने वॉल्यूम को 60 से डिवाइड कर देंगे। तो बात करता हूं नदी के लिए कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर और गहराई सॉरी चौड़ाई कितनी है वेट कितनी है 40 मीटर और डीप कितनी है ये गहरी कितनी है एच है जो गहराई है वो क्या हो जाएगी एच मानेंगे उसको ऊंचाई मानेंगे तो कितनी है 3 मीटर वो क्या है गहरी है। तो गहराई को हम किसके लिए यूज में लेंगे ऊंचाई के लिए यूज में लेंगे। अब आगे बात करता हूं चौड़ाई की सॉरी लंबाई की, लंबाई 1 घंटे की मानेंगे कि नदी यहां पे स्टॉपेज है अपने नदी का 1 घंटे के लिए यहां से नदी का पानी खोला तो 1 घंटे के लिए खोलता हूं तो ये 2 किलोमीटर का एरिया कवर करती है 2 किलोमीटर के बाद वापस क्या कर दो इसको बंद कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर के लिए पानी बढ़ जाएगा। किसके लिए बढ़ जाएगा 2 किलोमीटर के लिए पानी बढ़ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे पानी आगे बहता है तो क्या हो जाएगा यहां पे नदी का लास्ट स्टॉप है तो पानी बह के 1 घंटे में कितना आएगा इतना पानी आ जाएगा 2 किलोमीटर तक आगे पानी आ जाएगा वहां पे आप क्या कर देना अपनी नदी को वापस बंद कर देना। तो कितना पानी आ जाएगा जितना तो ये चौड़ी है कितनी चौड़ी है 40 मीटर चौड़ी है और जो गहराई है इसकी गहराई कितनी है 40 मीटर गहराई है इसकी 3 मीटर तो नदी के लिए ये वॉल्यूम क्या हो गया 1 घंटे का वॉल्यूम हो गया और 1 घंटे में इतना पानी वो क्या कर देगी समुन्द्र में डाल देगी। तो लंबाई क्या हो गई लेंथ क्या हो गई L इज इक्वल टू क्या है 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। इसके लिए आगे एक बात लिखनी पड़ेगी 1 घंटे के लिए क्या लिखूंगा फॉर 1 आवर
अब क्या कर लेता हूं, एक घंटे के लिए नदी का वॉल्यूम निकाल लेता हूं। तो क्या लिखूंगा यहां पे, एक घंटे में नदी द्वारा समुन्दर में, एक घंटे के लिए नदी द्वारा समुन्दर में गिराए गए पानी का आयतन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन सी, फ्लोइंग इन सी थ्रू द रिवर इन वन ऑफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक घंटे में कितना पानी डालती है नदी में, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू 1, 2, 3 गुणा B की वैल्यू कितनी है 40 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है आपके 3 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम सर, एक घंटे में वॉल्यूम क्या कर देगी, नदी पानी समुन्दर में डाल देगी। अब बात करते हैं एक मिनट की, तो एक मिनट में नदी द्वारा डाला गया या गिराया गया पानी, अब कहां डालती है, समुन्दर में डालती है, ये आपको पता है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन वन मिनट, तो आंसर क्या आएगा आपके, जो आपका वॉल्यूम था उसमें क्या कर देते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम क्या था, 2000 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन 6, 0, 0 से 0 कैंसिल आउट 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके 4000 मीटर क्यूब आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। यही क्या है, एक मिनट में नदी कितना पानी डालेगी, 4000 क्यूबिक मीटर पानी वो क्या कर देगी, सी में डाल देगी, और यही क्या है आपका आंसर है। तो ये आपके एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो गई है, आगे हम बात करेंगे 13.6 की। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।